अब कैसा लग रहा है? इसकी शादी तय करवा दी हम लोगों ने, करवा तो भैया अच्छे हैं, रिश्ता पक्का हो गया अब तो, ठीक है, खुश हो? ये ले आया नाश्ता, लाया हमारे लिए। एक बात बता, तेरे से नमकीन चली है साले? तेरे घर पे आए हैं साले, मिठाई कौन लाएगा? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस मंसूरी में। तो आप लोग सोच रहे हो मिस्टर ये रहा, मिसेस चेंज हो गई हैं आज हमारी तो है क्या, मैं आज अभी जा रहा हूँ निखिल के घर पे मम्मी को देखने के लिए थोड़ा सा, और पूछ ले मम्मी से जाके घर वाले कितने खुश हैं घर पे, पता नहीं कौन मिलेगा कौन नहीं। वैसे भाई भाई तो जॉब पे गया होगा, बाकी मम्मी से मिल लेते हैं, पूछ लेते हैं जाके, मम्मी को देख भी लेंगे। और बाकी सुना है मैंने कि भाई निखिल घर वाले बड़े खुश हैं शादी से, बाकी शादी की थोड़ी अपडेट बाद में देंगे हम तुम्हें। तो अभी मैं निकल रहा हूँ निखिल के घर के लिए, चले फोटो। चलो भाई, मैं तो घर में आने नहीं देता, रिश्ता पक्का हुआ तब पहुंचाया मैं। पैंट गिफ्ट करवाऊंगा आपको मैं हैं, अब मैं शेरवानी हैं, मैं शेरवानी देखो, मैं शेरवानी बनूंगा फिर दूल्हा लगूंगा। तो शेरवानी नहीं, थ्री पीस करवाऊंगा, क्या बोल रहे हो? हम उससे लूंगा मैं थ्री पीस, मगर शादी यार धूमधाम से नहीं होगी, वो साला वहीं जाना पड़ेगा, ऐसे चल लेंगे, क्या खर्चा करवाएगा जैसा भी होगा। चलो यार, तो निकले यार हम लोग निखिल के घर के लिए। चलो तो चल दिए हैं निखिल की गली में, निखिल के घर। कौन सा करता है? आगे तुझे याद है सब है? मैं तो भूल गया, दो तीन बार आ गया है मुझे तो घर में। अगला हाँ, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं घर में तो बिल्कुल बुलाता ही नहीं था मुझे, किस लिए कि भाई मैं उसकी मम्मी से रिश्ते के लिए ना बोलूँ, उसके भाई से रिश्ते के लिए ना बोलूँ, कोई लड़की शादी वादी करा इसलिए ना बोलूँ, तो हमें घर पे बुलाता ही नहीं अगला। अब रिश्ता पक्का हुआ तो बुला लिया भाई साहब ने कि चलो आ जाओ, मैं कहा चलो मम्मी थोड़ा बीमार है, मिलाते हैं मम्मी से और आप लोगों को भी दिखा दें उसका घर, उसकी मम्मी थोड़ा सा, जो जो घर में भैया तो कहीं गए हुए हैं, और देखते हैं घर पे कौन कौन है। यार अपने आसियाने में बैठा हुआ है, क्या हो रहा है? अपने आसियाने में बैठे, ठंड लग गई क्या तुझे? ना आया हूं भाई अभी। यार फोटो, यार रूम तो बढ़िया है इसका यार, है घर तो बहुत अच्छा बना रखा है भाई आंटी जी ने, ऐसे बना रखा है छोटा सा, तेरे तो छोटा सा है। ओए ये तो हमारा कुत्ता है, ओए तूने चुराया ना हमारी गाड़ी में से, हम चोर है भाई, हम चोर है, तूने हमारी गाड़ी में चुराया, मान जा। तो ये निखिल का रूम है, ये देखो फोटो हमारे निखिल की, बहुत बढ़िया। अरे छोटा चेतन, ये यार ये तो बढ़िया बढ़िया चीज लगा रखी। अरे ये भी मेरे कमरे में रखा था, ये भी लाया निकाल के, क्या हो गया भैया, कैसा चुरा चुरा के लाया है? क्या करेगा भाई? तो ये है निखिल का रूम, बढ़िया मस्त बढ़िया घर बना रखा है यार। ले अरे अरे भाई, अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी, पानी पिला रहा है निखिल है। क्या चीज? घड़ी छोड़ के रूम गिफ्ट कर दो। हाँ यार सही है, शादी तो भाई साहब, शादी तो इसकी है, तेरी शादी होगी, शादी तो इसकी है ना, जो मेरी होगी मम्मी। अच्छा इधर है, अच्छा चल चल रहा है। नमस्ते आंटी, कैसी हो, कैसे बाबू, तबीयत खराब हो रही है? हाँ बताया था निखिल ने, थोड़ा बेड रेस्ट मिला हुआ है। अब कैसा लग रहा है? इसकी शादी तय करवा दी हम लोगों ने, करवा तो भैया अच्छे, रिश्ता पक्का हो गया अब तो, ठीक है, खुश हो? देख मम्मी कितनी खुश है, देख रहे हैं, खुश तो ये भी है आंटी जी, शादी हो रही है तो। बाकी ख्याल रखो अपना, है ना, तबीयत तबीयत ठीक रखो, ध्यान रखा कर मम्मी का थोड़ा सा, है तो ध्यान नहीं रखता ना? बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, रखता है मतलब नहीं रखता ना चलो तुम आराम करो। बाबू क्या कर रहा है? ओए ताऊ जी को जय तो कर दे, है भतीजा है निखिल का, भतीजा है, ताऊ जी को जय नहीं करेगा? ओ कह रहा नहीं करूंगा, ये भतीजा है, हैं बेइज्जती करा रहा है, बेइज्जती करवा रहा है। चलो आंटी जी आराम करो आप, हैं बाकी उन्होंने बोला है आंटी कि कोई मतलब दिन विन देख के घर घर में शादी करा देंगे, है ना, तो भैया को ले जाके बाकी देखूंगा मैं, ठीक है, आप आराम करो, आराम से ध्यान रखो, आ जाओ निखिल। तो निखिल की मम्मी तो बहुत खुश हैं शादी से, रिश्ता पक्का हुआ है, बहुत खुश हैं, बाकी थोड़ा सा बीमार है तो अभी इलाज उलाज चल रहा है उनका, और जल्दी ठीक हो जाएंगी, बाकी हाँ खुश तो सभी हैं, खैर यार। और भैया गए हुए हैं काम वाम पे, और ये देखो ये भाई साहब क्या ला रहे हैं, ये देखो ये देखो ये ले आया नाश्ता, लाया हमारे लिए। एक बात बता, तेरे से नमकीन चली है साले? तेरे घर पे आए हैं साले, मिठाई कौन लाएगा, समोसे कौन लाएगा? भाई खिला दूंगा बाद में, क्या खाया? गलत बात नहीं है, है बे? गलत बात नहीं है, देखो भाई बाहर खिला दूंगा, चल बाहर बाहर खिला दूंगा, चल कोई बात नहीं, पी ले भाई फोटो, फटाफट आ जा जल्दी पी ले यार, फिर बाहर चले अपना, इसके लिए वहां भी चलना शेरवानी कोट पैंट देखने के लिए। मैंने तो गिफ्ट कर रहे हैं क्या?
शेरवानी पहन ले, शादी तेरी तो है, तेरी तो शादी है, हद हो गई यार। चलो यार नाश्ता करें हम लोग, फिर निकले यहाँ से। सो गाइस हम लोग निकल लिए हैं निखिल के घर से अब। हाँ थोड़ा अर्जेंट निकलना था, मैं जाना था तो इस वजह से निकलना पड़ा। बाकी मम्मी जी थोड़ा सा अभी ज़्यादा बात नहीं करी मैंने, क्योंकि थोड़ा सा बीमार हैं, अब ठीक वीक हो जाएंगे फिर बात करेंगे। और बाकी शादी का इसका क्या रहा, शादी का मैं अपडेट दे दूँ आपको। शादी का क्या, उन्होंने बोला कि मतलब दो चार दिन में फाइनल बता देंगे वो कि क्या करना है क्या नहीं। बाकी निखिल का तो घर बढ़िया यार, बढ़िया बना रखा, प्रॉपर्टी भी अच्छी है लौंडे पे, सब कुछ बढ़िया। बाकी घर वाले इतने अच्छे हैं इनके, मम्मी थी घर पे, बहुत 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 अच्छा नेचर था। थोड़ी बहुत बात करी मैंने, क्योंकि कैमरे के सामने थोड़ा सा अजीब लगता है, मैंने कैमरा ज़्यादा चालू नहीं किया। बाकी बहुत अच्छी थी इसकी मम्मी, बहुत प्यार भी करती हैं, बहुत सपोर्टिव हैं इसके लिए, और बहुत अच्छा लगा। और खुश तो इतना थी शादी से कि पूछो मत, कह रही बहुत 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 ही खुश हूँ मैं। बस उन्हें क्या चाहिए, एक अच्छी बहू मिल जाए और अपना दाल रोटी दे दी रहे। तो चलो यार शूट के लिए निकल रहे हैं हम यहाँ से। तो दोस्तों वहाँ से आने के बाद शूट पे तो हम लोग जा नहीं पाए, शूट पे इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि बारिश इतनी हो रही है। और मैं आ गया ऑफिस यहाँ पर, और अभी राहुल ने शिफ्ट किया है तो एक फ्लैट यहाँ पे भी ले रखा है गाजियाबाद में। तो मैंने कहा चलो एक ऑफिस यहाँ, एक ऑफिस यहाँ, दो ऑफिस हो गए। और तो यहाँ पहुँचा, अब यहाँ पहुँचने के बाद देखा तो यहाँ कोई नहीं है, दीपू था वो कहीं चला गया है, पूरा ऑफिस खाली का खाली, कोई है नहीं, कोई ये पड़ा हुआ है। हम लोग सो रहे हैं यहाँ पे, जब से आए हुए हैं तब से सो रहे हैं। हाँ ओए क्या हो गया, क्या सो रहा है, हैं काम नाम कुछ हुआ नहीं, यहाँ पड़े हैं। और बाहर हो रही है बारिश इतनी बुरी तरह, हम सो गए यार, है बिल्डिंग ही बिल्डिंग, खतरनाक बारिश हो रही है, मौसम बड़ा उधम हो गया है, ठंड आ गई है गाइज। तो स्वाटर वाटर निकाल लो अपने आप लोग, ये देखो बारिश ही बारिश, और ये हमारा झूला। ओ ठंड बहुत तेज लग रही है, और यार पिक्सल फट रहे हैं हमारे कैमरे के, तो मैं आ जाता हूँ अंदर। ओह कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, देख अंदर ही बढ़ जाओ उसमें। हाँ कोई काम हुआ नहीं गाइस आज हमारा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए, सोचा यहाँ काम करेंगे, बारिश की वजह से सब चौपड़ हो गया, तो बारिश ने आज पूरा काम खराब कर दिया। और सोया मैं ऐसा भयानक नींद आ गई, अभी उठा मैंने कहा चलो ब्लॉग को यार एंड किया जाए, थोड़ा सा बातचीत करी जाए। हाँ तो अच्छा मुझे आप लोग कमेंट में एक चीज़ ज़रूर बताना यार, कि हमारा जो निखिल है और शीतल की जोड़ी कैसी है। वैसे आप लोग पसंद तो बहुत करते हो ये तो मैं मानता हूँ, बट फिर भी यार बताओ जोड़ी कैसी है। और हाँ इनकी शादी कितनी जल्दी कराई जाए, क्योंकि वो लोग क्या हैं बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी शादी करा दो इनकी, जो लड़की वाले हैं शीतल घर वाले वो कह रहे हैं जल्दी जल्दी शादी करा दो। और निखिल की मम्मी से ही बात करी मैंने जब पर्सनली, जो जो कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, तो वो भी बोल रही जल्दी जल्दी इसकी शादी करवा दो तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसकी मम्मी सब चाहती हैं कि जल्दी शादी हो जाए। तो घर घर में शादी होगी इसकी, अब जो भी होगी जैसे भी होगी आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। और बाकी कमेंट में भर दो यार कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत सारे, ताकि देखे और खुश हो जाए, है ना। तो निखिल के लिए और शीतल के लिए एक कमेंट जरूर कॉन्ग्रेचुलेशन का कर देना। और पहली बार निखिल की मम्मी आप लोगों को के सामने आई हैं, दिखाई हैं, तो उसकी मम्मी भी वीडियो देखी, कमेंट पड़े भाई भी, तो वो भी देखेंगे, बहुत कितने सारे कॉन्ग्रेचुलेशन आए। तो चलो यार बाबा थैंक यू सो मच, हार जल्दी आपको देखने को मिलेगी टिंगू की शादी हमारे, जल्दी जल्दी करवाई देंगे सारे, जब हमारी हो गई तो इसकी भी जल्दी कराएंगे।